हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले कि प्राइस एक्शन कैसे करें बैंक निफ्टी में। तो सबका अपना ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है, लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ मैक्सिमम बिग प्लेयर्स वही करते हैं। सेटअप अलग होता है, लेकिन जो मेन एम होता है ट्रेडिंग में, कैसे ट्रेड लेना है, एंट्री कैसे करना है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को जानेंगे, जिसको कहते हैं कॉन्फ्लुएंस पॉइंट या कॉन्फ्लुएंस लेवल। ये जो होता है इसी के बेसिस पे एंट्री लिया जाता है, एक कंफर्मेशन के बेसिस पे कभी भी एंट्री नहीं लिया जाता है प्राइस एक्शन में या कोई भी ट्रेडिंग सेटअप है आपका। तो यहाँ पर हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसी भी चीज़ में प्राइस एक्शन ही होता है। यहाँ से मार्केट नीचे क्यों गया, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे रेजिस्टेंस था। तो ये क्या चीज़ है प्राइस एक्शन है, ये कोई इंडिकेटर नहीं बता रहे, ये जो आपको दिख रहा है वही हो रहा है। यहाँ पे इसको और एक्सटेंड कर दिया जाए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो ये क्या है, बेसिक प्राइस एक्शन है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप को ट्रेडर बनना है तो आपको ये समझ लेना होगा कि प्राइस एक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो आज का दिन है, यहाँ पे ट्रेड कैसे हम लोग किस बेसिस पे कहाँ पे एंट्री ले सकते थे, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी एनालिसिस होता है वो हम लोग हायर टाइम फ्रेम में किया जाता है। तो हायर टाइम फ्रेम हो सकता है आपका 1 आवर, क्योंकि हम लोग इंट्राडे करने वाले हैं, तो उस हिसाब से 1 आवर भी हायर टाइम फ्रेम कंसिडर किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आज का दिन यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, तो उससे पहले क्या क्या हो चुका है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है, और इसका जो इमीडिएट सपोर्ट क्या है, ये इमीडिएट सपोर्ट है। ओके, तो इसको हम लोग कलर कर लेते हैं ग्रीन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्लियरली यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा है, यहाँ गैप डाउन भी हुआ है। ओके, ये चीज़ हम लोग को दिख रहा है। तो पहला चीज़ है यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड है। फिर हम लोग आएंगे लोअर टाइम फ्रेम में, जिसको आप 15 मिनट या 5 मिनट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अगर हम लोग हायर टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट जो भी डाउन ट्रेंड उसका चलता है या अप ट्रेंड चलता है, तो वो अपना नेक्स्ट या जो सपोर्ट एरिया है वहाँ से सपोर्ट लेता है, वहाँ तक आने का कोशिश करता है। अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट्स में ही देखें, अगर यहाँ पे देखें कि मार्केट यहाँ से डाउनफॉल करना स्टार्ट किया है, तो कहाँ तक गया है मार्केट, इस लेवल तक गया है मार्केट, क्यों गया है यहाँ तक, इसी लेवल तक क्यों गया है, क्योंकि ये सपोर्ट है, ये चीज़ हम लोग को दिख रहा है। मार्केट यहाँ से डाउन गया है, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर आया, फिर डाउन गया है। कहाँ तक डाउन गया है, ये एक सपोर्ट था, यहाँ से यहाँ तक डाउन गया ही है, फिर ऊपर आया है, ठीक है, कहाँ तक आया है, ये जो रेजिस्टेंस एरिया वहाँ तक, फिर यहाँ से डाउन गया है। ओके, तो मार्केट जब भी अप जाता है या डाउन जाता है, तो वो अपना सपोर्ट लेवल खोजता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये एक इसको क्लियरली दिखाने के लिए हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट जब यहाँ से रेजिस्टेंस लेके डाउन गया है, कहाँ तक गया है, क्या मार्केट यहाँ से ऊपर आ गया है, नहीं आया ना, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया था, ये सपोर्ट एरिया था, मार्केट यहाँ तक आया है, फिर ऊपर गया है, ठीक है। तो मार्केट सपोर्ट तक आने का कोशिश करता है, तो ये एक प्रोबेबिलिटी होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार सपोर्ट लेवल पे आएगा, लेकिन हम लोग इसको मान के चलते एक प्रोबेबिलिटी होता है कि यहाँ तक मार्केट आएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ दिखाई दे रहा है हम लोग को, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, तो हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन होगा, जो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग जानेंगे, तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन यही होगा कि ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ तक मार्केट आएगा। वो आ गया, वो अभी हम लोग को दिख रहा है, लेकिन जब स्टार्टिंग डे यहाँ से स्टार्ट हुआ तब हम लोग को एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन है, ज़रूरी नहीं है आएगा। यहाँ पे मार्केट में जो भी होता है प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे होता है, और इससे आपको पता चलेगा कॉन्फिडेंस पॉइंट कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे, हम लोग आ जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को पता है, हम लोग का व्यू जो बनते जा रहा है धीरे धीरे, वो डाउन ट्रेंड का व्यू बनते जा रहा है। अब हम लोग को कुछ कॉन्फ्लुएंस पॉइंट चाहिए कि कहाँ पे हम लोग सेल कर लें, कौन सा जगह सबसे ज़्यादा अच्छा होगा सेलिंग करने के लिए। तो अगर हम लोग फीबो लगाते हैं, मार्केट इस स्विंग से नीचे आना स्टार्ट किया है, तो यहाँ से अगर हम लोग फीबो लगाते हैं,
ठीक है। फिर वो आप बोलेंगे यहाँ से क्यों नहीं लगाए, क्योंकि कुछ लेवल आना चाहिए, यहाँ पे कोई लेवल आ नहीं रहा है रेजिस्टेंस जो यहाँ पे लिया है। तो अगर हम लोग यहाँ से फीबो लगाए, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग फीबो लगाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को ये 0.5 का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया फीबो का लेवल। बहुत लोग फीबो का लेवल लेकर ट्रेड ले लेते हैं, सबसे ज़्यादा गलत है। जब भी ट्रेड लेना है हम लोग को मल्टीपल कन्फर्मेशन का ज़रूरत है। मल्टीपल कन्फर्मेशन एक ही कॉन्फिडेंस लेवल पर होगा तो वो ट्रेड का सक्सेस होने का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमेशा नहीं होगा क्योंकि ट्रेडिंग में कुछ भी 100% नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो विनिंग रेट आपका बहुत इम्प्रूव होगा। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्या क्या कन्फर्मेशन अभी तक हम लोग के पास है, इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहला कन्फर्मेशन हम लोग का है बिगर टाइम फ्रेम पे मार्केट डाउन ट्रेंड, ओके। सेकेंड कन्फर्मेशन हम लोग का क्या है, जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है वो नीचे है, तो वो तो पहला चीज़ ही हो गया। सेकेंड कन्फर्मेशन हम लोग का फीबो का लेवल है, फीबो का लेवल है। तो क्या बस हम लोग फीबो का लेवल पर ट्रेड लिए? नहीं, हम लोग ये दोनों का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। और यहाँ पे और भी चीज़ है जिसको हम लोग जानेंगे। यहाँ पे और फीबो लेवल हो गया। नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर हम लोग ये लाइन ड्रॉ करें, ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो ब्रेकआउट होने पे कौन लोग इंटर करते हैं? जो जनरल पीपल होता है, रिटेलर होता है, वो लोग इंटर करते हैं। तो वो लोग क्या कभी सक्सेसफुल होते हैं मार्केट में? रेयरली होते हैं। तो वो लोग यहाँ पे इंटर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देख सकते हैं प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि मार्केट को ऊपर जाने का मन नहीं है, मार्केट को उन लोग का जो रिटेलर का स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा है वो लेने का ज़्यादा मन है। तो ये चीज़ हम लोग को दिख रहा है। और उसी के साथ फीबो लेवल भी है जो चीज़ हम लोग को और कन्फर्मेशन दे रहा है। उसी के साथ डाउन ट्रेंड मार्केट है, ये चीज़ भी हम लोग को और कन्फर्मेशन मिल रहा है इन तीनों चीज़ से। तो यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग ऐड करेंगे, ट्रैप। यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है जितना भी जनरल पीपल है। तीन कन्फर्मेशन हम लोग को इस लेवल के लिए मिल गया है। मतलब इस लेवल के लिए हम लोग के पास तीन कन्फ्लुएंस पॉइंट है कि यहाँ पे ट्रेड काम करेगा ही करेगा हम लोग का। और यहाँ पे कुछ और पॉइंट क्या हम लोग को दिख रहा है, तो उसके लिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा। जितना भी कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग को पढ़ाया जाता है उस चीज़ का बारे में हम लोग बात करेंगे। ये एक टॉप है, ये टॉप है, उसके बाद रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है हम लोग को। तो ये डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है, डबल टॉप। तो क्या ये चार चीज़ हम लोग देख रहे हैं? क्या एक चीज़ हम लोग देखे? क्या बस फीबो हम लोग देखे? नहीं, हम लोग चार चीज़ को यहाँ पे देख के ट्रेडिंग का सोच रहे हैं। तो इसका ट्रेड का सक्सेस होने का रेट कितना ज़्यादा बढ़ेगा सोच लो, क्योंकि जितना भी इंस्टीट्यूशन होता है या बिग प्लेयर होते हैं वो एक चीज़ के बेसिस पे कभी ट्रेड नहीं करते, वो मल्टीपल कन्फर्मेशन मिलता है तभी वहाँ पे ट्रेड लेते हैं। और क्यों मल्टीपल कन्फर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्फ्लुएंसेस। क्यों मल्टीपल कन्फर्मेशन लेना ज़रूरी है? क्योंकि जितना भी लोग बस फीबो के बेसिस पे प्लस कोई और सेटअप के बेसिस पे ट्रेड लेता है तो उनका एक ट्रेड सेटअप यहाँ बनेगा। जितना लोग बस ट्रेंड फॉलोइंग के बेसिस पे ट्रेड लेता है वो लोग भी यहाँ सेल करेंगे, बिग प्लेयर्स। जितना लोग ट्रैप के बेसिस पे ट्रेड करता है बिग प्लेयर्स, वो लोग भी यहाँ शॉर्ट करेंगे। तो जब इतना लोग का सबका अलग अलग सेटअप है और सब सेटअप के हिसाब से यहाँ पे सेलिंग आएगा तो जो बिग मनी है वो लोग यहाँ पे सेल करेंगे, तो प्राइस का नीचे जाने का चांस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इस केस में। और यहाँ पे देख ही सकते हैं, अगर हम लोग इस यहाँ पे शॉर्ट करते दो तीन कैंडल देख के, जब प्राइस इसके नीचे आने लगता है तो यहाँ पे अगर हम लोग शॉर्ट करते हैं तो प्राइस फिर ऊपर गया ही नहीं है, प्राइस नीचे आया। तो यहाँ 1:2 का 2 तक का इस सपोर्ट एरिया तक हम लोग को टारगेट यहाँ पे मिल गया। तो इसलिए मल्टीपल कन्फर्मेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी एंट्री लेते हैं तो आप अपने आप से पूछिए कि आपके पास कितना कन्फर्मेशन है। एक कन्फर्मेशन बस फीबो के बेसिस पे ले रहे हैं? नहीं, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा।
इसलिए जब तक आपके पास रीज़न नहीं है, 3, 4, 5, 6, 7 रीज़न नहीं है ट्रेड लेने का, मैं प्राइस एक्शन का बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे तो मैक्सिमम चांस है वो स्टॉप लॉस ही हिट करेगा। लेकिन जब आपके पास इतना सारा रीज़न है ट्रेड लेने का, तो यहाँ पे आपका सक्सेस होने का रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से किया जाता है प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेडिंग बैंक निफ्टी पे। तो बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करना पड़ता है आपको, फ्री में तो पैसा मिलने नहीं वाला है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, इतना सा सेटअप खोजना पड़ेगा और ये हर जगह नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए, क्योंकि जब भी पैसा मिलेगा बहुत बिग पैसा मिलने वाला है। तो आज के लिए, आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर इसको आप फॉलो नहीं कर पा रहे तो आप ट्रेडर बन नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आप जितना भी यूट्यूबर में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो लोग का भी अगर वीडियो देखेंगे तो उन लोग का भी मल्टीपल कन्फर्मेशन होता ही है ट्रेड में। क्यों होता है? इसी रीज़न के वजह से, कॉन्फ्लुएंस लेवल, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट वो लोग फाइंड करते हैं, जहाँ से ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाता है प्राइस का, वहाँ से मूवमेंट होने का। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक। टाटा।